कानों में रस घोलने वाली आवाज महनाज बेगम को मतदाओं से पिछड़े 10 बरस बीत गए। इनके गाए हुए नगमात आज भी मकबूल है। बर्रे सगीर की मारूफ गायक कज्जन बेगम की साहबजादी महनाज बेगम को कोयल की कूक जैसी आवाज कुदरत की जानिब से तोहफा मिली थी। महनाज बेगम ने अपने कैरियर का आगाज पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम नगमाजार से किया और इस प्रोग्राम के बाद महनाज बेगम के लिए कामयाबी के दर खुलते चले गए। गुलुकारा महनाज बेगम ने गजलें काफी ठुमरी ख्याल के साथ साथ सोजो सलाम और मरसे खानी भी की। महनाज बेगम ने रेडियो टेलीविजन और फिल्म के लिए 2500 से ज्यादा नगमात रिकॉर्ड कराए। महनाज बेगम के जबान ज़दे आम गानों में छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलाई के, प्यार का वादा ऐसे निभाएं, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वादा करो साजना मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मुश्किल है बड़ा मुश्किल है और मुझे दिल से ना भुलाना जैसे लाजवाल गीत आज भी मतदाओं के कानों में रस घोल रहे हैं। मौसीकी के दिलदादा अफराद का कहना है कि महनाज बेगम गुनगुनाती थी तो महसूस होया था कोयल कूक रही है। महनाज बेगम के फन के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा। जनवरी 2013 को इलाज के लिए महनाज बेगम अमेरिका जा रही थी के दौरान परवाज उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर तैयारे को बहरीन में उतार लिया गया। ताहम इस दौरान वो जाबर ना हो सकी और मौसीकी का ये अजीम सितारा हमेशा के लिए मान पड़ गया। मुझे दिल से ना भुला।